हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं विंडोज डिफेंडर विंडोज डिफॉल्ट एरर कोड इज 0x800704EC। दिस प्रोग्राम इज ब्लॉकिंग बाय ग्रुप पॉलिसी। तो इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो बड़े इजी स्टेप्स में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर और सिंपली से ओपन कर लें। ये परमिशन मांगे तो यस पे क्लिक करें और फिर आपको इधर सेव करना है अपनी फाइल को, आप बैकअप कर सकें। हम जो फाइल को डिलीट करना है वो फाइल अगर आपको रिस्टोर करनी है तो आप इजीली उसका बैकअप कर सकते हैं। तो फर्स्टली इम्पोर्ट, इसको सिलेक्ट कर लें आप ये फोल्डर और फिर सेव पे क्लिक करें और फिर एक्सपोर्ट फाइल, तो इसको भी आप सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दें, फाइल पे क्लिक करें और ये दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो आप दोनों फोल्डर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर एक्सपेंड करना है एच की लोकेट मशीन। सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर, डबल क्लिक ऑन इट। फिर पॉलिसी, तो डबल क्लिक ऑन इट। माइक्रोसॉफ्ट, तो डबल क्लिक ऑन इट। फिर आपको इधर विंडोज डिफेंडर ये ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। तो आपको इधर एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, ये डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ये ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आप सिंपली ये ऑप्शन पे राइट क्लिक करें और फिर डिलीट कर दें इस फोल्डर को। ये होगा विंडोज डिफेंडर में, इधर होगा, उसके आप क्लिक करके राइट साइड में वो ऑप्शन को जस्ट राइट क्लिक करें और उसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको रीसेट करना है अपने पीसी या लैपटॉप को। तो रीस्टार्ट करने के बाद आप ये प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर लेंगे। तो 28 मिनटों को देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें मेरे वीडियो पे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यूजफुल वीडियोस पाने के लिए।